नई सुबह ऑडियो कॉलम सर्विस में खुश आमदीद। रोजनामा जंग से कॉलम पेश है मुस्लिम लीग नून की मंशूर कमेटी। कॉलम निगार है पीर फारूक बहाउल हक शाह और आवाज है नादिया सबा की। अगर आप नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफीद होना चाहते हैं या फिर हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। इंतखाबात का मौसम करीब आते ही तमाम सियासी जमातों ने अपने अपने मंशूर नए सिरे से मुरतब करना शुरू कर दिए हैं। पुरानी दस्तावेजात के पलंदे तय खानों से निकलकर नई आबोताब के साथ अवाम के सामने आने को तैयार हैं। कई जमातों ने तो अपने मंशूर का ऐलान भी कर दिया है और जा बजा जलसों में इनके नकात बयान किए जा रहे हैं। इस सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून क्यों खामोश रहती? जिस अंदाज में मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाया गया और जिस तुम तराक से लाहौर का जलसा मुनक़िद किया गया, इसके बाद यकीनी तौर पर तवक्को की जा रही थी कि अब मुल्क भर में जलसों का शेड्यूल मुरतब होगा। करिया करिया कूचा कूचा मियां नवाज शरीफ की आवाज़ गूंजेगी। वोट को इज्जत दो की तदफीन के बाद कोई नया नारा ईजाद किया जाएगा, लेकिन फौरी तौर पर तो ऐसा कुछ ना हुआ। अलबत्ता मियां नवाज शरीफ की तवील खामोशी के बाद मंशूर कमेटी के क़याम की इत्तला मिली। मारूफ अदीब और कॉलम निगार जनाब इरफान सिद्दीकी इसके सरबराह मुकर्रर किए गए, जो मुल्क के तमाम इल्मी और अदबी हलकों में एक उस्ताद की हैसियत रखते हैं। उम्र की 76 बहारें देखने वाले मियां नवाज शरीफ की जानिब से इरफान सिद्दीकी जैसे दानिश्वर की तकर्रुरी एक अहसन इकदाम है, लेकिन कमेटी के दीगर अरकान के तकर्रुर से उनकी रिवायती तरजीहात का अंदाजा होता है। जनाब अहसन इकबाल एक तालीमी पसे मंजर रखते हैं। जनाब ख्वाजा साद रफीक ने तलबा सियासत से उठकर अमली सियासत के मैदान में अपना नाम कमाया। कुर्बानियों की एक तवील तारीख इनके पूरे घराने के क्रेडिट पर है। जनाब परवेज रशीद एक मुजस्सम तारीख है, लेकिन इन अहबाब के अलावा बाकी अरकान की अक्सरियत अपनी अपनी जगह पर लायक इज्जत व तकरीम है, लेकिन मंशूर जैसा फिक्री काम शायद उनकी अहलियत से ज्यादा है। यूँ लगता है जैसे मुस्लिम लीगी कयादत ने महज खाना पूरी के लिए एक टीम तरतीब दी है, जो मंशूर के नाम पर वही पुराने दावे और प्रोग्राम कौम के सामने रखेगी जो इससे पहले कई दफा पिट चुके हैं। मोहतरम इरफान सिद्दीकी को कुंद और पुराने हथियारों के साथ इस मार्के में झोंक दिया गया है। क्या ही अच्छा होता कि इस मंशूर कमेटी में माहौलियात के माहिरीन शामिल किए जाते, जो मुल्क में होने वाली माहौलियाती तब्दीलियों पर नजर रखते और उनसे निपटने के लिए इकदामात तजवीज करने की सलाहियत रखते। मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में ज़राअत जैसे शोबे पर मुरतब होने वाले मनफी असरात का जायजा लेने और उनका सदेबाब करने वाले माहिरीन का इंतखाब किया जाता। आज का किसान फसलों की काश्त के हवाले से परेशानी से दोचार है। गर्मी बढ़ रही है, सर्दी कम हो रही है। इन बदलते मौसमी हालात में किसानों की रहनुमाई करने वाला एक शख्स भी इस टीम का हिस्सा नहीं। पाकिस्तान और भारत में स्मोग जैसे मसाइल ने अपने पंजे गाड़ रखे हैं। इनसे निपटने के लिए तजावीज मुरतब करने वाले माहिरीन इस कमेटी का हिस्सा होने चाहिए थे। इस मंशूर कमेटी में तालीम को जदीद खतूत पर उस्तवार करने वाला एक भी माहिर शामिल नहीं, जिसके पास कोई ऐसा विजन हो जो फरसूदा निजामे तालीम की बजाय जदीद तकाजों के मुताबिक निसाबे तालीम तरतीब दे। मुस्लिम लीग नून की मंशूर कमेटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी के शोबे में महारत रखने वाले शख्स की अदम मौजूदगी भी कायदीन की तरजीहात पर सवालिया निशान है। आज पूरी दुनिया जदीद टेक्नोलॉजी के सहारे खला मुसखर कर रही है, जबकि हमारी तरजीहात में दूर दूर तक इसका नामो निशान नहीं। क्या ही अच्छा होता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी एक्सपर्ट्स भी इस टीम का हिस्सा होते, जो कौम को जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ रागिब करने के लिए काम करते। हमारा तो ये ख्याल था कि 3 साल जिला वतनी के दौरान मुस्लिम लीगी कायद के विजन में कोई नुमाया तब्दीली जाहिर हो चुकी होगी। मुआशियात के बैनुल अक्वामी माहिरीन के साथ इनका रब्त जब्त होगा। बदलते हुए आलमी हालात के तनाजुर में खारजा पॉलिसी के नए खदो खाल तश्कील पाएंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माहिर इनकी टीम का हिस्सा होंगे। नौजवानों के मसाइल का इदराक रखने वाले रोशन दिमाग इनके दाएं बाएं होंगे। इस कमेटी की तश्कील मुस्लिम लीगी कयादत की इस सोच को जाहिर कर रही है कि वो पुरानी शराब एक नई बोतल में कौम के सामने पेश करेगी, लेकिन मुस्लिम लीगी कयादत आगाह रहे कि 2023 में बहुत सी जमीनी हकीकतें तब्दील हो चुकी हैं।
इस वक्त जेरे जमीन एक बहुत बड़ा लावा पक रहा है। हमारा नौजवान बहुत हद तक गुस्से की हालत में है। इस नस्ल के पसंदीदा लीडर की मुसलसल बेतौकीरी ने इनके झुंझलाहट में इजाफा कर दिया है। अगर वही घिसे पिटे पुराने वादे याद दिलाए गए तो न सिर्फ उसका मनफी रद्दे अमल सामने आएगा बल्कि नौजवानों की मायूसी और गुस्से में मजीद इजाफा होगा। मंशूर कमेटी के लिए एक बड़ा चैलेंज नवाज शरीफ के बयानिया की वजाहत करना होगा। क्या वोट को इज्जत का नारा फिर लूटेगा या अब मुसालहत का दौर दौरा होगा? मुस्लिम लीगी कायद अब भी पर काटने की कोशिश करेंगे या फिर महज गुजारा करेंगे? फैसला साजी में फाख्ताओं का किरदार होगा या उकाब भारी पड़ेंगे? क्या इस दफा भी पंजा आजमाई की जाएगी या फिर एडजस्टमेंट की कोशिश की जाएगी? ये बुनियादी सवालात हैं जिन पर मंशूर कमेटी को गौर करना होगा, वरना जनाब इरफान सिद्दीकी की अर्क रेजियां, जनाब साद रफीक की शोला बयानियां और जनाब एहसन इकबाल की इल्मी मुँह शगाफियां फाइलों में दबी रह जाएंगी और जमहूरियत की कश्ती उसी गर्दाब में फंसी रहेगी जिसमें 12 अक्टूबर 1999 को गर्क हुई थी। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।